नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी यहाँ ठीक हूँ। आज का ये वीडियो लाइव बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो कि एक ऐसा फेस मास्क बनाने वाली हूँ, एक ऐसा चमत्कारी पत्थर से जो मतलब आपका चेहरे को दाग धब्बे को हटाएगा, ब्राइट करेगा, टाइटन अप करेगा और इस तरह से चमका देगा आपके फेस को कि जो मतलब जादू सा हो जाएगा। तो चलिए इस रेमेडी को हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैसे यूज करती वो दिखाते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले लेंगे रॉ मिल्क, जो कि हमारे सब हर किसी के घर में अवेलेबल होता है। रॉ मिल्क ना हो तो उबाला हुआ मिल्क भी चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जादू सा हो जाता है ना फेस में, मत पूछिए कितना ग्लो आता है। मैं आपको इस वीडियो में आपको बेहतरीन तरीके से बताने वाली हूँ। मौसम में तो बहुत सारे फंसी फेस पे निकलते हैं, इसके लिए बहुत ही फायदेमंद है। दाग धब्बे को इस तरह से गायब करता है। तो देखिए, एक मिनट तक हम फेस पे लगे रहने देंगे। ध्यान रहे हमें फेस को अभी नहीं धोना है। हमारा फेस क्लीन हो चुका है। अब बारी आती है दूसरे रेमेडी। आधा चम्मच हम लेंगे फिटकरी। सबसे बड़ी बात है ये कि मतलब ये तो आयुर्वेदिक है, ऑल स्किन टाइप का हर कोई लगा सकता है, जेंट्स हो लेडीज हो। इसी के ऊपर हम इसी के
लगाएंगे दही और थोड़ा सा हल्का सा मुल्तानी मिट्टी, जो कि हमारे फेस में जितना लगे उतना ही हमें यूज करना, ज़्यादा बर्बाद नहीं करना। बर्बाद करने से क्या होगा, तो बचेगा तो हमें नेक्स्ट वीडियो में काम देगा। मतलब ये दोस्तों, ये है मुल्तानी मिट्टी। आप जैसे जानते हैं हमारी स्किन को टाइटन अप करना है, टाइटन अप किसी तरह का कि स्किन में कोई भी दाग धब्बा हो, मतलब इसे हटाने में बहुत हमारी मदद करता है। दही, जैसे कि आप सभी जानते हो दही हमारे फेस बालों और सभी चीज़ों, मतलब तो फेस बाल हाथों के लिए सभी चीज़ों के लिए कितना फायदेमंद है, और फेस में कितना ग्लो दाग धब्बों को हटाता है। ये पूरा रेमेडी में जितना भी यूज करूँ सब आयुर्वेदिक है दोस्तों, और इसका इतना ही फायदा है कि मतलब दाग धब्बों को दूर करता है। इसे हम वीक में दो बार लगाएंगे तो बहुत ही फायदेमंद होगा दोस्तों। इतना जल्दी चेहरे से दाग धब्बे को गायब कर देगा जो पता ही नहीं चलेगा कि हमारे फेस पे कभी दाग धब्बा था। थिन सा लेयर बना लेंगे दोस्तों तो फेस हमारा, हम इस तरह से मतलब इस तरह से मिलाएंगे कि मतलब इतना पतला ना हो जो कि हमारे फेस से नीचे गिर जाए, उसी हिसाब से हम दही डालेंगे। आपका मन हो तो इसमें आप कच्चा दूध भी डाल सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारा पेस्ट हो गया तैयार। अब इसे हम अप्लाई करेंगे अपने फेस पे। ऑयल लगाएंगे दोस्तों, ये इसका सारा मॉइस्चर ड्राइनेस के लिए दोस्तों। अगर हमारा पेस्ट जो बनाए हैं मतलब बच जाएगा तो इसे अगर आपको नहाने जाना है तो नहाने से पहले 5 से 10 मिनट पहले लगा के रखें और इसे हल्का सा ड्राई होने दें। ड्राई हो जाएगा तो आप इसे नॉर्मल पानी से दोस्तों, हमारा पेस्ट बच चुका है थोड़ा सा, और मैं इसे रख दूँगी फ्रिज में स्टोर करके। तो दोस्तों, मैंने नॉर्मल पानी से मुंह धो गया, देखिए दोस्तों इतना ग्लो हो। तो दोस्तों, इसे हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करें, और अगर आपके फेस पे छाइयां और मेलाज्मा पिगमेंटेशन हो तो वो भी आपका खत्म हो जाएगा हफ्ते में 2 बार यूज कर दें दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।